सो गाइस यार, गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए जो आप लोग थीम यूज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यार, किस तरीके के थीम को यहाँ पे अप्रूवल मिलता है तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। साथ में शेयर भी करूंगा वो कौन कौन से थीम है जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट बात करेंगे वीडियो में, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। काफी छोटा वीडियो होगा बट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो बेसिकली करना क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। जो ब्लॉगर होता है ना, उस पर जितना आप लोग सिंपल थीम यूज करते हो उतना ज्यादा चांसेस रहते हैं एडसेंस अप्रूवल के। रीजन क्या होता है, जब यार आपका थीम बिल्कुल सिंपल होगा तो आप लोगों की वेबसाइट पे अगर कभी एड शो हो रहा है तो यूजर को वो काफी इजीली दिखेगा। बट लेट से यार आप लोग का थीम कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे ब्लू कलर है, यहाँ पे रेड कलर है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और कचरा है, तो ऐसे में क्या होगा, एड्स यूजर को उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं दिखते। सो इन दैट केस हम लोगों को सिंपल थीम यूज करना ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। सो करना क्या है, सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आप लोग को इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा एंड जैसे आप लोग उस पर क्लिक कर दें देन कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है। एंड आप लोगों को ये वाला आर्टिकल यहाँ पे सर्च करना है। अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं मिल रहा डायरेक्टली तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं थीम्स। सो जैसे ही आप लोग यहाँ पे थीम्स सर्च करेंगे, यहाँ पे पहले तो ऊपर कुछ एड्स आ जाएंगे, आपको इनको इग्नोर करना है एंड सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आ जाएंगे देन आप लोग को यहाँ पे ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, इसको आप लोग को सिंपली ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ उसका किस तरीके से यूज होगा। तो वो काफी देख सकते हो सिंपल मैंने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये मैं पहला थीम आप लोग को प्रेफर कर रहा हूँ। देन आप लोग इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, तो एक बार मैं आपको इसको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो सिंपली क्लिक हेयर पे आपको क्लिक करना है। सो देख सकते हैं आप पे डाउनलोड हो गए हैं काफी इजीली। देन सेम इसी तरीके से बहुत सारे थीम्स हैं, सेकंड है, थर्ड है, एंड देन फोर्थ है, एंड देन फिफ्थ है। अब आप लोग में से काफी लोग सोच रहे हो कितना ज्यादा सिंपल थीम है, क्या इस पे एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। सो 100% एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा। रीजन क्या है यार, वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, जितना ज्यादा सिंपल थीम उतना ज्यादा एडसेंस अप्रूवल के चांसेस। बट इन थीम्स में भी मैं आप लोग को कुछ प्रेफर करना चाहता हूँ। मैं आपको प्रेफर करना चाहता हूँ या तो फर्स्ट वाला यूज करें या फिर सेकेंड वाला यूज करें, क्योंकि बाकी तीन जो है यार वो देखोगे तो स्पेसिफिक चीजों के लिए, जैसे वाला नॉर्मल के लिए नहीं। अगर आप लोग कोई टेक ब्लॉग लिख रहे हैं तो उसके लिए ज्यादा उतना फायदेमंद नहीं रहेगा। बट अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सो ये पांच थीम्स हैं जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। अब यार मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ, दिस वीडियो विल बी स्मॉल बट काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी। बट यार मैं आप लोग को ये चीज नहीं सिखा सकता हूँ इन थीम्स को कैसे कस्टमाइज करना है, और आप लोग ये चीज यूट्यूब पर देख सकते हो इन थीम्स को कैसे कस्टमाइज करना है, या फिर आप लोग ये भी देख सकते हो कि इन थीम्स को किस तरीके से यूज करना है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा।